अब हिजाब पर आया सोनम कपूर का रिएक्शन। कहा, अगर पगड़ी एक पसंद हो सकती है तो हिजाब क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। हिजाब को लेकर इन दिनों नेशनल लेवल पर एक बहस छिड़ी हुई है। इस मुद्दे पर कई सेलिब्रिटीज भी अपना अपना मत रख चुके हैं। उनमें गीतकार जावेद अख्तर, अभिनेत्री सोनम कपूर और कंगना रनौत का नाम सबसे ऊपर आता है। शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर कर्नाटक राज्य में चल रही अशांति ने अभिनेत्री सोनम कपूर का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। इंस्टाग्राम पर सोनम कपूर ने पगड़ी में एक पुरुष और हिजाब में एक महिला की तस्वीर शेयर की है और ये सवाल किया है कि पगड़ी एक ऑप्शन हो सकती है तो जबकि हिजाब क्यों नहीं हो सकता है। सोनम कपूर की पोस्ट कर्नाटक में कई महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए प्रदर्शनकारियों के जरिए परेशान किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। दरअसल कर्नाटक सरकार के जरिए 5 फरवरी को सभी स्कूलों और कॉलेजों में एक ड्रेस कोड अनिवार्य करने का आदेश जारी करने के बाद यहां पूरा विवाद शुरू हो गया था, जिसमें समानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वाले मतलब कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक दिन पहले गीतकार जावेद अख्तर ने भी हिजाब पहनने के लिए महिलाओं पर कथित तौर पर निंदा की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं कभी भी हिजाब या फिर बुर्का के पक्ष में नहीं रहा हूँ, मैं अभी भी उस बात पर खड़ा हूँ, लेकिन साथ ही मुझे गुंडों की इस भीड़ के लिए गहरी अवमानना के अलावा कुछ भी नहीं है जो लड़कियों के एक छोटे समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ भी असफल। ये उनका मर्दानगी का आइडिया है क्या? अफसोस। जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए कंगना रनौत ने कहा था कि साहस दिखाना है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे में नहीं आजाद करना सीखो। कंगना के ट्वीट के बाद शबाना आजमी ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो, लेकिन अफगानिस्तान एक धार्मिक देश है और जब मैंने पिछली बार जांच की थी तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। इस बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब और अन्य धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश यानी कि लिखित आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। अंतरिम आदेश के खिलाफ अपीलों पर तत्काल सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।